रेलवे के उत्तर आप चाहती हैं। देखिए कुछ सवाल जो लोग कर रहे हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि ये 30 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती, उससे पहले 2 गाड़ियाँ गुजरी हैं और लोगों ने गुजारी हैं, और वो एक इंजर्ड आदमी कह रहा है, आपने वीडियो देखा है, वो देखा है ना। एक तो ये ट्रेन 100 पे चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर की टॉप लाइट नहीं थी। व्हेन द टॉप लाइट इज नॉट देयर यू कांट गेट इट आउट ऑफ द यार्ड, एंड इफ द टॉप लाइट इज वर्किंग यू आर सीइंग 3 किलोमीटर्स, क्योंकि उस ट्रेन का जो जंगला है वो ग्लास का है। और पहले भी ये ट्रेन निकलती है, आप पूछ लेना, इसको लड्डू वाली ट्रेन बोलते हैं यहाँ पे, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को 15 साल से जानता हूँ, इसको लड्डू वाली ट्रेन बोलते हैं। वो यहाँ के रुक के लड्डू लेता है, कोई अपनी जो सामान होता है उसके बीच में फेंकता है, भागते भागते लोग इसमें चढ़ जाते हैं। और ये शहर के बीच में से लुधियाना से भी गुजरी, 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। उससे थोड़ी दूर फाटक है, फाटक के ऊपर रेलवे गार्ड है, रेलवे गार्ड 300 मीटर पर देख रहा है कि LED लाइट्स लगी हुई हैं उस साइड पर और लोग मोबाइल लगा के वहाँ देख रहे हैं। जब आप एक गाय के लिए रुकते हो, जब कोई लाइन पे आपको बैठा मिलता है तो आप वहाँ रुक के आप देख ले, पूछ लेना इनसे, पूछो सर, सब बताएंगे आपको, तो आप रुक के FIR दर्ज कराते हो उस बंदे पे जो बैठा है वहाँ। तो भाई 200 बंदों को रौंद के आप चले गए और रुके नहीं। और स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है 100 से भी ऊपर। आप देखिए जो वीडियो आया है, आप देखिए द लास्ट वीडियो दैट आई हैव सीन, जम इट गोज। इनसे सबसे पूछा है, एक सेकंड नहीं लगा दिया हमें, एक सेकंड में वो ट्रेन तेजी से गुजर गई। तो भाई ऐसा कौन सा आपने कमीशन बना दिया कि एक दिन में क्लीन चिट दे दी उसको? फिर या तो वो ड्राइवर परमानेंट था या फिर आपने उसको एक दिन के लिए लाए थे, क्यों नहीं आप बताते? और ये जो जगह है ये रेलवे की है, इस पर रेलवे ऑपरेट करती है और रेलवे ही आपको जवाब दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूं इस पर।